हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर दर्स कुरान शकील ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो सीनत निराली हो फैशन निराला, जिया क्या यूं ही करता है मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहां है तमाशा नहीं है, है बचपन ने तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आकर के क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहां है तमाशा नहीं है। हजरात अपनी जिंदगियों को संवारो, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर जो भेजा है तो किस लिए भेजा? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, ताकि वो मेरी बंदगी करें। अल्लाहु अकबर। हजरात और हमें यहाँ इबादत के लिए भेजा गया दुनिया में, और दूसरी जगह कुरान अजीम के अंदर रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया इसलिए ताकि वो आजमाइश करे, तुम्हारा इम्तिहान ले, देखे कि तुम अच्छे अमल करने वाला कौन। अल्लाहु अकबर। और आज हम कैसे लाइफ गुजार रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? दिन आता है चला जाता है, रात आती है गुजर जाती है, जो भी सूरज निकल रहा है हमारी उम्र की रस्सी को काटता चला जा रहा है। आज हम कारोबार में मगन हैं, आज हम और आप अपने अपने जो है कारोबार में, अपने अपने कामों में, अपनी अपनी दुकानों में, तिजारतों में इतने मुस्तगरक हो चुके हैं, डूब चुके हैं, खो चुके हैं कि हमें ये मालूम नहीं कि हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज फर्ज है, हमें नमाज भी पढ़नी है, हमें रब की इबादत भी करनी है, हमें भेजा इसलिए गया ताकि रब की इबादत करें। जिस काम के लिए हम आए थे हमें मालूम नहीं, हम करते ही नहीं, न किसी जो है उलमा के पास हम जाते हैं, ना कोई मशवरा करते हैं, अल्लाहु अकबर, ना कोई मसला पूछते हैं, बस झूठ सच गीबत चुगली बुराइयां हसद। अल्लाहु अकबर। कैसी अल्लाहु अकबर हमारी जिंदगी गुजर रही है। हजरात मोहतरम, तो अपने आप पर तरस खाओ, एक दिन हमें मरना है, बच नहीं पाओगे। आप ये सोचते हो कि हम भूल गए, हम नमाजों से दूर, रोजों से दूर, जकात से दूर, हज से दूर, नेक आमाल से दूर, कारोबार में लगे हुए हैं, सिर्फ तिजारत में लगे हुए हैं। करो तिजारतें भी करो, कारोबार भी करो, लेकिन रब की याद में भी रहो, उसकी जिंदगी। अल्लाहु अकबर। ये दी हुई हमें और आपको जो जिंदगी दी है, ये बड़ा एहसान किया है उस रब कदीर ने हम पर। हजरात मोहतरम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस रब का एहसान ना होता तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान इस दुनिया में आए। अल्लाह ने इंसान बनाया पहले तो ये एहसान, फिर रब कदीर का बहुत बड़ा एहसान कि उसने हमें मुसलमान बना दिया, सुभान अल्लाह, अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया। लेकिन जिस दुनिया के पीछे हम और आप लगे हैं ये बाकी रहने वाली नहीं है। रब इरशाद फरमाता है, कुल्लू मन अलैहा फान, सारी दुनिया सारी कायनात हर शय फना हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। बाकी रहने वाली, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तुम्हारे रब की जात है। हजरात मोहतरम, तो कायनात जो फना हो जानी है, जो बर्बाद हो जानी है, नेस्तो नाबूद हो जानी है, जो खत्म होने वाली चीज है, हम उसके पीछे पड़े हुए। एक बादशाह था ना, एक बहुत बड़ा बादशाह, अल्लाहु अकबर, उसने अपने खुद्दामों को हुक्म दिया बड़े तकब्बुराना अंदाज में और बड़े तीखे लहजे में, कहा, ए मेरे खादिमों, मेरे गुलामों, मेरे खुद्दामों, इधर आओ, मेरे लिए आलिशान बेहतरीन पोशाक का इंतजाम करो जो आज से पहले मैंने कभी जेबे तन्ना की हो।
अल्लाह अकबर। कहा बेहतरीन सवारी का इंतजाम करो जिस पर आज से पहले मैं कभी सवार ना हुआ हूँ। मुझे अपनी रियाया की सैर के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, तफरीह के लिए जाना है। अल्लाह अकबर। उसके हुक्म के मुताबिक ऐसी ही सवारी का इंतजाम कर दिया गया, ऐसी ही पोशाक का इंतजाम कर दिया गया। उसने पोशाक को ज़ेब-ए-तन किया, सवारी पर सवार हुआ। खुदामों को हुक्म दिया, जाओ, कोई रास्ते में हाइल ना होने पाए, कोई बीच में ना आए, और अगर कोई आए तो उसकी गर्दन काट देना, उसकी बीवी को बेवा कर देना, उसके बच्चों को यतीम कर देना। अल्लाहु अकबर। अब खुदाम आगे आगे हैं, इसकी शान व शौकत के साथ तकब्बुराना अंदाज में सवारी चल रही है। अल्लाहु अकबर। खादिम ऐलान करते चल रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं, रास्ता साफ कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। अब लोगों के दरवाजे बंद हो गए, लोग घरों के अंदर छुप गए, इसकी सवारी शान व शौकत के साथ जा रही है। हजरात, बीच रास्ते में, शहर के बीच में एक ज़ईफ कमजोर इंसान सामने बैठा हुआ नजर आया। इसके खुदामों ने कहा कि हट जाइए, आपको मालूम नहीं है कि बादशाह की सवारी आ रही है? कहा मालूम है, तो फिर हट जाइए। कहा मैं नहीं हटूंगा, मुझे बादशाह से बात करनी है। कहा यार अजीब आदमी, अपने हालात देखो, तुम्हारा लिबास फटा पुराना और जिस्म से बदबू आ रही है, और इतने कमज़ोर और ज़ईफ आदमी हो, तुम क्या बात करोगे? कहा मुझे बात करनी है। नहीं, बादशाह से मिलने के लिए कई कई महीने पहले, अल्लाह अकबर, दरख्वास्त देनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर बात होती है। ऐसे बात नहीं होती, आपको डायरेक्ट बात कर दी जाएगी, आपकी गर्दन मार दी जाएगी, काट दिया जाएगा, बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, बीबी को आपकी बेवा बना दिया जाएगा, हट जाइए। कहा कुछ भी करो, मुझे हटना नहीं, बादशाह से बात करनी है। अल्लाहु अकबर। ये बात चलते चलते बादशाह के पास पहुंची। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा हुजूर, एक ज़ईफ कमज़ोर बूढ़ा इंसान है, रास्ते से नहीं हटता, कहता बादशाह से बात करनी है। अल्लाहु अकबर। बादशाह ने कहा ठीक है, मेरे पास बुलाओ। उसको बुला लिया, गया। बादशाह ने कहा कि आप अजीब ज़िद्दी आदमी है, रास्ते से नहीं हटते, बताओ क्या बात करना चाहते हो? कि बादशाह ऐसे बात नहीं करूँगा, पहले अपने खुदामों को अलग हटाओ, तन्हाई में बात करनी है। कहा ठीक है, हटा दिए गए। कहा अब सवारी पर मुझे बुलाओ या खुद मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कान में बात करनी है। बादशाह ने कहा यार अजीब ज़िद्दी आदमी, ठीक है मेरे पास आ जाओ। ऊपर बुला दिया गया। अल्लाहु अकबर। जब इसको ऊपर बुलाया तो इसने कान में जाकर एक बात कही। बादशाह बैठा हुआ था, खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। बादशाह खड़ा हो गया, पसीने पसीने हो गया, पसीना आ गया, माथे का पसीना, अल्लाहु अकबर, माथे का पसीना जो था उसका, तो वो एड़ियों में निकलने लगा और कहने लगा मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मुझे अपने बेटे से, अल्लाहु अकबर, कुछ बात करनी है, मुझे कुछ वसीयत करनी है, मुझे रियाया के लिए कुछ लिख कर जाना है। कहा एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। अभी तो बड़े तकब्बुराना अंदाज में थे, अभी तो बड़ी, अल्लाहु अकबर, तीखी आवाज में बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया? सारा गुरूर और तकब्बुर चकना चूर हो गया। अल्लाहु अकबर। उसने कहा तू जानता नहीं है मुझे, मैं मलाकुल मौत हूँ, तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, तेरा वक्त हो गया है। तो अजीजों, मेरे भाइयों, किसी भी वक्त हम और आप मौत के शिकार हो सकते हैं, मौत हमारे और आपके पीछे लगी हुई है, किसी भी वक्त कहीं भी। तो आप और हम जो है हर वक्त मौत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें, ना जाने कब किस वक्त मौत का फरिश्ता हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। ये तो आनी है। जो नहीं मानते, अल्लाहु अकबर, जो नहीं डरते, जो सोचते हैं कि हम भूल गए कुछ नहीं होगा, तो रब ऐलान कर रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार शय को मौत का जायका चखना है। अल्लाहु अकबर। अजीजा ने मोहतरम, तो तैयारी करो, दुनिया के हैं मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है, ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं हैं, अरे मखमल पर सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, रहना नहीं है तुझको, जारी तेरा सफर है, दुनिया के हैं मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है।